अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला टीवी। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि आपको अपने ग्रे कॉकटेल दिखाऊं। तो आप देख सकते हैं पुदीना बड़े शौक से खा रहे हैं और आजकल आपको तो पता ही है कितनी गर्मी होती है, हम पानी डालते तो पानी के अंदर डुबकियाँ लगाने लग जाते हैं। और एक तो दोस्तों मुझे पता ही चल रहा है इनका, मैंने इतना बड़ा बनाया है वो मटका, फिर भी ये कहते हैं अंडे बच्चे नहीं दे रहे। और ये देखें पुदीना कितने शौक से खा रहे हैं, और ये जब हाथ लगाए ना गुस्सा बड़ा करते हैं, ये पिंजरे के अंदर थोड़ी सी उंगली डाले ना बड़ा गुस्सा करते हैं ये। यार दोस्तों ये देखें इतने ऐसे लग रहा है जैसे 10 साल के भूखे हैं जैसे खा रहे हैं। यार दोस्तों कभी पुदीना खाता है कभी फेंकता है, और ये देखें इसका ताज कितना खूबसूरत है। अच्छा दोस्तों आपने बताया ना ये मेल है या फीमेल है, मुझे तो फीमेल लगती है क्योंकि इसका ताज जो है ना वो येलो है और दूसरे का ब्राउन, वो ब्राउन ब्लैक है। तो दोस्तों ये देखें कैसे अपने पर पे ला रहा है। मैंने पानी डाला कि ये लो। अच्छा ये दोस्तों ये वाइट कॉकटेल बहुत प्यारे हैं, इनका भी आपने बताना है इनमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि दोनों का ही ताज येलो है पता नहीं चल रहा। ये मुझे बड़े पसंद है वाइट वाले। और अभी थोड़ा सा आगे जाके हम आपको वीडियो में बुजी अपने तोते भी दिखाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने इतनी बार अंडे दिए हैं, अंडे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, एक बच्चा ऊँट जितना बड़ा हो गया था दोस्तों फिर भी वो मर गया। तो दोस्तों अब हम इनको बेचना चाह रहे हैं कि हम इनको बेच दें, क्योंकि दोस्तों आपने लेने हैं तो आप बता दें, हम इनको बेच रहे हैं। असल में अंडे देते हैं फिर मर जाते हैं, इतना दुख होता है। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो वाइट कॉकटेल है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर फिर भी ये बच्चे निकाल के मार देते हैं। तो अभी थोड़ा सा आगे जाके हम आपको अपने बजरी भी दिखाएंगे। तो दोस्तों हम ना अभी ये देखें आ गए हमारे बजरी तोते। तो दोस्तों इधर देखें इनका पैर बना हुआ है फिर भी वो अंडा नहीं देते, हालांकि मैंने अपना गल्ला तोड़ के इनके लिए घर बनाया था, फिर भी बड़े जालिम तोते हैं ये, बड़े जालिम हैं, काटते बड़े हैं ये जालिम तोते हैं, इनको नहीं मुझे लाना चाहिए था, वो तो वैसे ही मेरे मम्मा पापा ले आए। तो दोस्तों अब थोड़ा सा आगे हम आपको अपने बाकी बजरी दिखाएंगे। तो दोस्तों यार ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो आप हमारे साथ चलिएगा और पूरी वीडियो के एंड तक जाइएगा। तो दोस्तों ये हमारे बजरी ना आ गए हैं, ये देखिए ये जो आपको नज़र आ रही है ना जो आखिर में सबसे बैठी है जो डर के पीछे हो गई अब नज़र नहीं आ रही वो तोती है, और वो जो पीछे जिसका मुसा नज़र आ रहा है वो तोता है। इन्होंने बच्चे दिए हैं, ये भी एक बच्चा है जो ब्लू के पीछे है, और बाकी इन्होंने 5 और बच्चे दिए हैं इनका, ये उनमें से एक बच्चा ये छोटा ब्लू वाला है। तो दोस्तों मैंने आपको की थी ना शेयर 5 बच्चों की, उनमें से जो दूसरा है ना ये है ब्लू वाला, और इनमें से एक बच्चा मर गया था, और ये हमारा वो है सबसे पहला, ये उड़ भी सकता है बहुत लंबी फ्लाइंग करता है, और दोस्तों ये तीसरा बच्चा है जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो उसके साथ बैठा है। तो दोस्तों हमारे इस तोते ने ना इस तोते के बच्चे ने बड़े वाले ने इतनी लंबी फ्लाइंग की थी। अच्छा दोस्तों तो ये देखिए अब ये बच्चा है जो दूसरे को काट रहा है। तो दोस्तों
यार ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो हम इधर ही वीडियो का एंड करते हैं। तो